नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। शरद यादव ने शुक्रवार को लोकतांत्रिक जनता दल कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी विक्रम चौधरी के समर्थन में लिधौरा में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जुमलेबाज हैं और जनता से किए हुए वादे पूर्ण नहीं किए और फसल बीमा और भवंतर योजनाओं से किसानों को सही लाभ नहीं मिल रहा। वहीं फसल बीमा से कंपनी के माला माल हो रही बुंदेलखंड की हालत बिहार से भी खराब है, सबसे पिछड़ा हुआ है। और जबकि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खनिज और नहीं नदी और तालाब होते हुए भी मध्य प्रदेश में खनिज और व्यापार बड़े ही घोटाले हुए हैं। वही शिवराज को कंस मामा की संज्ञा देते हुए कहा कि कंस मामा को हटाओ और नरेंद्र मोदी को हटाओ, आज देश और लोकतंत्र खतरे में। जिस तरह घर में हमारी माँ बहनें कचरा साफ करने का काम करती है, वैसा ही बता गया भाजपा नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान रूपी जुमलेबाजों को हटाओ और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की गई। बंगाल बेचा लाचारी बेबसी गुरबत में कोई इलाका बसा हुआ है तो वो जबकि यहाँ सबसे ज्यादा मिनरल खनिज है, यहाँ नदी नाले ये वीरों की धरती है। आज सबसे ज्यादा लाचारी बेबसी गुरबत यहाँ, इसे बदलना, इसे कोई एक आदमी नहीं बदलेगा। हम इकट्ठे होकर खड़े होंगे तो कोई धरती में नहीं है जो आपसे जीतने वाला है। आपको बदलना है, आप बदलने के लिए जो वोट है इसका ठीक से इस्तेमाल करना, जैसे माँ बहन बेटी अपने घर बदल। इसलिए इसको जिताइए, यानी हमारा पशु इतने बड़े आपको पता नहीं, जैसे कि आसपास किसान मेरे पास आते हैं तो सारे हमारा पशु खेत चलते हैं। वैसे किसान बढ़ रहा है, ऊपर उसका खेत चल रहा है। इसलिए मैं आपसे आपके यहाँ बीच बहाने लगाने आया हूं। यहाँ गठबंधन के आदमी को जिताइए, जिताओगे तो ये मामा जो है कंस के बाद, कंस ने इतना तमाशा नहीं किया, इतना नुकसान नहीं किया, इतना इजोलेशन किया। जतारा से बाबूलाल चरार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर नाइन में।